Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت فضيلة الشيخ مولانا نسيم صاحب فیضی حفظه الله مجلس میں بیٹھے ہوئے باادب بزرگوں نوجوان دوستوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں میں اکثر تقریر اپنی زبان کچھی اور سندھی میں کرتا ہوں اپنے علاقے کے اندر کبھی اردو میں نہیں کرتا اس لیے اگر کہیں غلطی ہو جائے تو آپ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ جو انسان کی پریکٹس رہتی ہے جس زبان کے اندر اس میں وہ تقریر کر لیتا ہے میں 9 سال سے مسلسل کچھی میں سندھی میں تقریر کرتا ہوں اردو میں بائی چانس کبھی ہو جاتی ہے ورنہ اردو میں تقریر نہیں کرتا تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کا خوف تقوی پرہیزگاری اس موضوع کے حوالے سے چند باتیں گزارش کرنا چاہوں گا محترم حضرات تقوی اللہ کا خوف بڑی عبادت ہے تقوی اسلام کی روح اور اسلام کی جان ہے تقوی کی ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں آپ نے کوئی گاڑی خریدی کوئی اچھی سی گاڑی ہے مہنگی گاڑی ہے اس گاڑی کی سب چیزیں بہترین ہیں سیٹیں اس کی اس کی باڈی سب چیزیں بیسٹ اور بہتر ہیں گاڑی بھی اچھی ہے لیکن اگر اس گاڑی کے اندر بریک نہیں ہے بریک تو گاڑی چلانے والا بھی مارے سے خطر میں ہوگا جب گاڑی کو وہ چلائے گا تو گاڑی بھی خود برباد ہو سکتی ہے اور چلانے والا بھی برباد ہو سکتا ہے
उसका शुमार मुर्दों में हो सकता है, उसका शुमार जिंदों में नहीं। जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, जिस तरह हमारे जिस्म से जान निकल जाती है तो हमारा जिस्म मुर्दा हो जाता है, इसी तरह अगर हमारे दिल के अंदर खौफ नहीं है, तकवा नहीं है, तो हमारा शुमार जिंदों में नहीं हो सकता, हमारा शुमार मुर्दों में हो सकता। तकवा किसे कहते हैं? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत काब बिन अहबार से पूछा, काब मुझे बताइए तकवा किसे कहते हैं? किसने पूछा? उमर फारूक ने हज़रत काब से सवाल किया कि काब मुझे बताइए तकवा किसे कहते हैं, अल्लाह का खौफ क्या चीज़ है। हज़रत काब ने फरमाया, उमर फारूक आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उमर फारूक ने फरमाया पूछिए। हज़रत काब पूछते हैं, उमर फारूक कभी आपका गुज़र ऐसे रास्ते से हुआ है जिस रास्ते के दोनों किनारों के अंदर कांटेदार दरख्त हों? एक रास्ता है, इसके दोनों किनारों के अंदर, दोनों साइडों के अंदर खारदार दरख्त, कांटेदार दरख्त। उमर फारूक ने कहा, हाँ, मेरा गुजर ऐसे रास्तों से कई मरतबा हुआ है। हजरत काब पूछते हैं, उमर फारूक किस रास्ते का राही, इस रास्ते को क्रॉस करने वाला रास्ता कैसे क्रॉस करेगा? उमर फारूक फरमाते हैं, इस रास्ते को क्रॉस करने वाला, इस रास्ते को पार करने वाला, इसके जिस्म के ऊपर जो कपड़े होंगे उसको समेटते हुए ये रास्ता पार करेगा। ये जो कांटेदार दरख्त हैं ये मेरे कपड़े में न लग जाएं, मेरा कपड़ा कहीं फट न जाए, इसलिए अपने कपड़े को समेटते हुए ये इंसान रास्ते को पार करेगा, क्रॉस रास्ते को क्रॉस करेगा। हज़रत काब फरमाते हैं, उमर फारूक इस्लाम के अंदर तकवा इसी का नाम है कि इंसान इस दुनिया के अंदर रहकर अपने दामन को गुनाहों से बचाए, अपने दामन को गुनाहों से बचाए। आज हम देखते हैं हमारे मुआशरे समाज में कहीं पे हसद है, कहीं पर गीबत और गिला है, बहुत सी बीमारियां हमारे समाज और मुआशरे के अंदर हैं, तो इंसान इन तमाम बुराइयों से अपने दामन को बचाकर जिंदगी गुजारता है, इसका नाम है इस्लाम के अंदर तकवा। छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह, हर गुनाह से इंसान अपने दामन को बचाकर जिंदगी दुनिया के अंदर गुजारता है, इसी का नाम है इस्लाम के अंदर तकवा। कुरान मजीद की आयत आपके सामने तिलावत करने में आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता, वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा, वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो इंसान इस दुनिया के अंदर रहकर इस तरह जिंदगी गुजारता है कि कल कयामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, मेरी 40 साल जिंदगी है, 50 साल जिंदगी है, 20 25 30 70 साल जिंदगी है, मेरी पूरी जिंदगी का अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है, ये सोचकर इंसान दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारता है। वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह उसको दो जन्नतें अता करे, दो जन्नतें। आपके जहन में सवाल होगा कि जन्नत तो एक ही है, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इस आयत की तफसीर है कि दो जन्नतों से मुराद दो गार्डन दो बागात है, एक गार्डन और एक बगीचा होगा जिसके अंदर जो चीजें होंगी सब गोल्डन सोने की चीजें होंगी, सब सोने, और एक जो गार्डन और बगीचा होगा उसके अंदर जो भी चीजें होंगी सब चांदी की होंगी। तो इंसान का जैसा भी ईमान होगा, उसका जैसा अमल होगा, इस हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बागात में इंसान को दाखिल करेगा।
دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتا ہوا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ایسے مرد اور ایسی عورت کا ٹھکانہ جنت جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ جنت وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اس کو ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے ہر غم سے اس کو نجات دیتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اللہ اس کو اس جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے وہم اور گمان بھی نہیں کلپنا بھی نہیں ہوتی ایسی جگہ سے اللہ اس کو روزی دے دیتا ہے ایسی جگہ سے اللہ اس کو دولت دے دیتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف محترم حضرات اللہ کا خوف بڑی عبادت ہے اللہ کا خوف جس دل کے اندر آ گیا وہ دل دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہے وَلَوْ أَنَّهُمُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں ایمان کیسا ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا جیسا ایمان صحابہ کرام کا ایمان تھا اللہ کو ہمارا ایمان پسند نہیں ہے اللہ کو ایمان پسند ہے صحابہ کرام کا فَإِنْ آمَنُوا تم صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ تم ہدایت والے ہو جاؤ گے کیسا ایمان جیسا ایمان حضرت ابوبکر صدیق کا تھا جیسا ایمان عمر فاروق کا تھا جیسا ایمان عثمان غنی کا تھا جیسا ایمان علی مرتضیٰ کا تھا جیسا ایمان بلال حفشی کا تھا جیسا ایمان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے ایمان آج ایک مسلمان اپنے ایمان کا سودا دنیا کے چند ٹکوں میں کر دیتا ہے یہ ہے مسلمانوں کی حالت وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود دیکھیے مسلمانوں کے حالات اخبار پڑھیے آج مسلمان دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے پہلی شرط پہلی کنڈیشن ایمان وَاتَّقُوا اور صرف مجھ سے ڈریں مجھ سے آج انسان انسان سے ڈرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا آج انسان انسان سے ڈرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلے ایمان لے آؤ وَاتَّقُوا پھر اپنے دلوں کے اندر میرا خوف پیدا کرو دو کنڈیشن ایمان اور اللہ کا خوف آگے اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تم ایمان لے آؤ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو اللہ کہتا ہے آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا آسمان سے بارشیں ہوں گی زمینوں کے اندر تمہارے لیے گلے پیدا ہوں گے اناج پیدا ہوں گے
अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें। मोहतरम हजरात, आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका है। अगर हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ होता तो हमारी मस्जिदें खाली ना होती, हमारी जमात के कितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे चंद लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर अल्लाह का खौफ दिलों में होता तो हमारी बाजारें भरी हुई ना होती, हमारी मस्जिदें खाली ना होती। आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका है। जब हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया, अल्लाह ने गैर कौमों का खौफ हमारे दिलों के अंदर बैठा दिया। बड़ी अखबार, जब मुसलमानों ने अल्लाह का खौफ दिल से निकाल दिया, अल्लाह ने गैर कौमों का खौफ हमारे दिलों के अंदर बिठा दिया। वरना यही मुसलमान थे जिन मुसलमानों से कैसर और किसरा के बादशाह अपने महलात में डरते थे, ये मुसलमान। आज हमसे गली का कुत्ता भी नहीं डरता है। वजह क्या है? हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका, हमारी जिंदगी से तकवा निकल चुका है। कोई खौफ नहीं अल्लाह का, कोई भी डर नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह का। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा, मेरी उम्मत पर एक टाइम ऐसा हो आएगा कि मुसलमानों को गैर कौमें इस तरह मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगी जिस तरह एक भूखा इंसान जब खाने को देखता है खाने के ऊपर टूट पड़ता है। साहबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या उस वक़्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? मुसलमान कलील होंगे, थोड़े होंगे, जिसकी वजह से गैरों के अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी कि मुसलमानों को बर्बाद करने की प्लानिंग बनाएंगे? वक्त आ चुका है। 1437 साल पहले कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई की थी। आज अखबारात टीवी इस पेशन गोई की गवाह है। बड़ी अखबार, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, इशारतन आपको बता दूं कि जब हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया, अल्लाह ने गैर कौमों का खौफ हमारे दिलों के अंदर पैदा कर दिया। आज हम हर किसी से डरते हैं, हर किसी से डरते हैं। अगर नहीं डरते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी कौम के ऊपर, मेरी उम्मत पर जब ऐसा वक्त आएगा गैर कौमें मुसलमानों के ऊपर टूट जाएंगी। साहबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या उस वक़्त मुसलमान कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमान कम नहीं होंगे, अरबों खरबों की तादाद में मुसलमान होंगे, लेकिन मुसलमानों के दिलों के अंदर वहन पैदा हो जाएगा, वहन। साहबा किराम ने पूछा, वमल वहनु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी, वहन क्या चीज़ है? जब मुसलमानों के दिलों के अंदर वहन पैदा हो जाएगा तब मुसलमानों की ये पोजीशन हो जाएगी। अल्लाह के नबी, वहन क्या चीज़ है? कायनात के इमाम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व करायतुल मौत, मुसलमान दुनिया से मोहब्बत करेंगे और मौत से नफरत करेंगे। तब मुसलमानों के ऊपर ये टाइम, ये वक्त आ जाएगा। मोहतरम हज़रात, जब हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका, हमारे दिलों से अल्लाह का डर निकल चुका, अल्लाह ने गैर कौमों का खौफ हमारे दिलों के अंदर बिठा दिया। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें। खौफ बड़ी इबादत है। आप हमारे दिल के अंदर अगर अल्लाह का खौफ है, हम हर गुनाह से बच सकते हैं, हर गुनाह से। दुनिया का कोई भी गुनाह हो, अगर आपके दिल में, हम मेरे दिल में अगर अल्लाह का खौफ आ गया, हम हर गुनाह से, छोटा हो या बड़ा गुनाह हो, हर गुनाह से बच सकते। एक इंसान है, कोई गुनाह करता है, मसलन चोरी है, बदकारी है, शराब है, दुनिया का कोई भी गुनाह आप समझ लीजिए, गुनाह करते वक्त उसके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा आता है, ख्याल पैदा होता है कि
मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, अगर बाय चांस मुझे मौत आ गई तो मेरा क्या ठिकाना होगा। मैं शराब पी रहा हूँ, मैं बदकारी कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, अगर अल्लाह न करे मुझे मौत आ गई तो मौत का कोई भरोसा है? अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहार। हमें यह भी उम्मीद नहीं है कि हम इस मजलिस से उठ पाएंगे कि ना उठ पाएंगे। मौत का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। अगर इंसान के दिल के अंदर ये खौफ पैदा हो जाए, अगर अल्लाह न करे मुझे मौत आ गई तो मेरा ठिकाना क्या होगा, तो इंसान हर गुनाह से बच सकता है, हर गुनाह से। अगर खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, तो कोई कुछ भी गुनाह करो, दुनिया का हर गुनाह करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जिस तरह इंसान के दिल से शर्म हया निकल जाए, इंसान बेशर्म हो जाए, कुछ नहीं कर सकता है, इसी तरह अगर हमारे दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह का खौफ बड़ी इबादत है। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें। इत्तकिल्लाह अय्युमा कुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम कहीं भी हो तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होना चाहिए। मस्जिद में हो तब भी अल्लाह का खौफ, बाजार में हो तब भी अल्लाह का खौफ, घर में हो तब भी अल्लाह का खौफ, लेन देन करो तब भी अल्लाह का खौफ, दुनिया के जिस कोने के अंदर तुम हो। इत्तकिल्लाह हैसुमा कुन, दुनिया के जिस कोने के अंदर तुम हो हर हालत में तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होना चाहिए। अमीर हो तब भी, गरीब हो तब भी, खुशी हो या गमी हो, दुनिया के जिस ओहदे पर हम फाइज हैं, जहां पर भी हम हैं, हमारे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होना चाहिए। आज दुनिया के अंदर हमारे अंदर इज्जत का मियार क्या है? इज्जत का मियार हम इज्जत वाला किसको समझते हैं? जिसके पास बंगला है, जिसके पास कोठी है, जिसके पास गाड़ियां हैं, जिसके पास बैंक बैलेंस हैं, हम दुनिया वाले उसको इज्जत वाला समझते हैं। ये हमारी चॉइस है, ये हमारा पैमाना है इज्जत का। हम उसको इज्जत वाला समझते हैं जिसके अंदर, जिसके पास बैंक बैलेंस है, जिसके पास दौलत है, दुनिया उसको इज्जत वाला समझती है। आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह की कुरान तो ऐसी किताब है ला रैब फी, जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं, तो किसको इज्जत वाला कहती है? हम दुनियादार मुसलमान उसको इज्जत वाला समझते हैं जिसके पास दौलत है, जिसके पास बंगले हैं, जिसके पास जमीन और जायदाद है, हम उसको इज्जत वाला कहते हैं। अल्लाह की कुरान हम तुमसे सवाल करते हैं तो किसको इज्जत वाला कहते हैं? अल्लाह का कुरान कहता है इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, सुभान अल्लाह, इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तुम सब में से यहां पे जो भी बैठे हुए हैं, दुनिया के अंदर जो भी मुसलमान है, अल्लाह का कुरान कहता है तुम सब में से अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ ज्यादा, वो इज्जत वाला। अल्लाह हमारे रंग और रूप को नहीं देखता, अल्लाह हमारे चेहरे को नहीं देखता, अल्लाह हमारे खानदान को नहीं देखता, अल्लाह हमारी जात और बिरादरी को नहीं देखता। ला यंजुरु इला सुअरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लें और तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता। हम कितने हैंडसम हैं, कितने खूबसूरत हैं, हम किस खानदान के हैं, हम किस मुल्क के हैं, हम किस जात और बिरादरी के हैं, अल्लाह कुछ नहीं देखता। वलाकी यंजुर, अगर अल्लाह कोई चीज देखता है तो हमारे दिलों को देखता है, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ कितना। अत्तकवा हा होना, अल्लाह के नबी ने फरमाया अत्तकवा हा होना, तकवा दिल के अंदर होता है, तकवा जबानी दावा नहीं है, तकवा इंसान के दिल के अंदर होता है। तकवा दिल के,
अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तुम सब में से कोई भी हो, किसी भी खानदान का हो, किसी भी बिरादरी का हो, कैसा भी शक्ल सूरत वाला हो, इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तुम सब में से अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जिसके दिल के अंदर अल्लाह का ज्यादा हो। इस्लाम रंग और रूप नहीं देखता, इस्लाम माल और दौलत नहीं देखता। आइए आपको चंद मिसालें देता हूं। बिलाल हबशी हबश का रहने वाला एक गुलाम है, चेहरा भी काला, होंठ मोटे मोटे, हबश का रहने वाला एक गुलाम है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है किताबुत तहज्जुद की, फजर नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने रुख अपना सहाबा किराम के सामने किया और हजरत बिलाल से पूछा, बिलाल मुझे अपना वो अमल बताइए जिस अमल की वजह से तुम्हारी जूतियों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी, तुम्हारी जूतियों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी, कौन सा अमल करते हैं आप? हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया, अल्लाह के नबी जिस अमल पे मुझे अल्लाह से ज्यादा उम्मीद है मेरा अमल वो है, मैं जब भी वजू करता हूं तो वजू की दो रकातें तहय्यतुल वजू जरूर पढ़ लेता हूं। तहय्यतुल वजू, जब भी हम वजू करते हैं, हजरत बिलाल हबशी अल्लाह के नबी से कहते हैं, जब भी मैं वजू करता हूं वजू की दो रकातें हमेशा पढ़ता हूं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह को ये मेरा अमल पसंद है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इतनी इज्जत अता की। इनके मुकाबले में अल्लाह के नबी के चचाओं को देखी, अबू लहाब, अबू जहल, और भी अल्लाह के नबी के रिश्तेदार थे जो मक्के के बड़े बड़े सरदार थे, मालो दौलत की उनके पास कोई कमी न थी, लेकिन दुनिया के अंदर भी जलील और ख्वार हुए और आखिरत के अंदर उनकी जिल्लत उनका मुकद्दर बनी। तब्बत यदा अबी लहाब वतब मा अग्ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व मरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये मिसाल इसलिए आपके सामने रखी कि इस्लाम के अंदर दौलत, खानदान, बिरादरी, रंग रूप इस्लाम कुछ नहीं देखता। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह अगर कोई चीज देखता है तो हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का कितना खौफ है। अल्लाह अमल को देखता है, अमल अगर अमल नहीं है तो वो अगर नबी का बेटा ही क्यों ना हो, नबी की बीवी ही क्यों ना हो, वो भी जहन्नम के अंदर जाए। अमल नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, नूह का बेटा तूफान के अंदर आ चुका है, नूह का बेटा नूह की आंखों के सामने डूब रहा है, नूह ने अल्लाह से फरियाद की, नबनी में नहाली, ए अल्लाह ये मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब रहा है। एक बाप अपने बेटे को कभी आंखों के सामने डूबता हुआ नहीं देख सकता, एक बाप अपनी जान अपने बेटे पे कुर्बान कर सकता है, अपनी तो जान तो दे सकता है लेकिन अपने बेटे को डूबता हुआ नहीं देख सकता। ये बाप के दिल में एक बेटे की मोहब्बत होती है। नूह के सामने उनका बेटा डूब रहा था, नूह ने अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह तेरा वादा है कि मैं तेरे अहल को तेरे खानदान को बचा दूंगा, अल्लाह ये मेरा बेटा है, डूब रहा अल्लाह से बचा ले। या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, नूह ये तेरे खानदान में से नहीं है, इसका अमल अच्छा नहीं है, इसका अमल अच्छा नहीं है। नो, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं है उस चीज के बारे में मुझसे सवाल मत, नबी का बेटा है, नबी का बेटा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में हजरत नूह और हजरत लूत की बीवियों का जिक्र किया, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन कफरु मरात नूह व मरात लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन फखानताहुमा فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين।
अल्लाह तुम्हारे सामने नूह और लूत की बीवी की मिसाल बयान करना चाहता है। नबी की बीवियां आप गौर कीजिए, नबी की बीवियां, जब नबी अपने बेटे को अपने बीवियों को जहन्नम से नहीं बचा सकते तो दुनिया के अंदर किसके अंदर ताकत है कि वो किसी को जहन्नम से बचा सके। आज बहुत से मुसलमानों के अकीदे हैं कि फला हमें जहन्नम से बचाएगा, फला हमें जहन्नम से बचाएगा। आप मुसलमानों के अकीदों को देखिए, आज मुसलमान न जाने किन किन के ऊपर भरोसे करके बैठे हुए। जरब अल्लाह, अल्लाह नूह और लूत की बीवियों की मिसाल बयान करना चाहता है कि ये दोनों औरतें मेरे दो नेक बंदों की निकाहों में थी। फखानताहुमा, इन्होंने उनसे खयानत की। खयानत क्या की? लूत की घरवाली लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाई, नूह अलैहिस्सलाम की घरवाली नूह पर ईमान न लाई। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, लूत की घरवाली जहन्नम के अंदर चली जा, नूह की घरवाली जहन्नम के अंदर चली जा। अल्लाह, जब नबी अपनी बीवी को अपने बेटे को जहन्नम से न बचा सके दुनिया के अंदर कौन बचा। मोहतरम हज़रात, इसी तरह हजरत आसिया फिरौन की घरवाली, फिरौन अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला फिरौन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हिदायत दे देता। फिरौन की घरवाली अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह रब्बिबली इंदका बैतन फिल जन्ना, ए अल्लाह जन्नत में मुझे तेरा पड़ोस चाहिए। पहले पड़ोस चॉइस किया, जन्नत में मुझे तेरा पड़ोस चाहिए। रब्बिबली इंदका बैतन फिल जन्ना, तेरे नज़दीक जन्नत में मुझे घर चाहिए। वनज्जिनी मिन फिरौन वअमली वनज्जिनी मिनल कौमिस सालिमीन, मुझे फिरौन से निजात दे, मुझे सालिम कौम से निजात दे। अगर अल्लाह हिदायत देना चाहे तो फिरौन की घरवाली आसिया को हिदायत दे सकता है, अगर अल्लाह हिदायत न दे तो नूह की घरवाली लूत की घरवाली अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब को भी अल्लाह हिदायत न, हिदायत उसके हाथ में, हिदायत अल्लाह के हाथ में है।